हेलो गाइस, तो जैसे कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में कहा था कि मैं रेगुलर प्लेयर के साथ 3-5-2 फॉर्मेशन में वीक का इवेंट जीत करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं आप, मैंने सारे प्लेयर को ठीक वैसे ही सेट करके रखा है जैसे लास्ट वीडियो में रखा था। ठीक है, क्या ओके, तो चलो ये वाला इवेंट को हम लोग एंट्री करते हैं और पहला मैच मैं लगाता हूँ। और सबसे पहले बीड लेता हूँ, बीड लेने से सबसे पहला पास मेरे को मिलेगा, पास मिलेगा, मैंने पास दिया है, 9th लेवल का प्लेयर मिला है। ठीक है, मैंने पहला पास कीपर को दिया, उसके बाद लेफ्ट साइड से नजरी को देता हूँ, एक बार अपने बुलडोजर को, वहाँ से सीधा मेरा, हाँ मैं आगे बढ़ा देता हूँ इंजन की तरफ, और यहाँ से मैं दूंगा राइट साइड में हेडर को। ठीक है, मैं हेडर पे बोल दूंगा अपने हैमर को, और ये पहला गोल, बड़ी आसानी से पहला गोल। ठीक है, मैं 3-5-2 फॉर्मेशन में खेल रहा हूँ और उन्हीं प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ जिन प्लेयर के साथ परिचय मैंने आप लोगों का लास्ट वीडियो में कराया था। ठीक है, फिलहाल यहाँ से मैं बॉल छीनने का कोशिश करता हूँ, मिल गया बॉल मेरे को, इंजन को मिला है, वो आगे ले जा रहा है। ठीक है, बढ़िया, यहाँ से मैं देता हूँ अपने हैमर को, थोड़ा सा आगे देता हूँ और यहाँ से शॉट और गोल, हाँ ये दूसरा गोल भी मैंने दे दिया। और पहला राउंड का जो मैच था ना भाई, वो मैंने ईजिली जीत गया। ठीक है, तो यार बिना किसी देरी के मैंने दूसरा राउंड का भी मैच स्टार्ट कर दिया है। एक बार फिर से बीड लेता हूँ, इस बार भी पहला पास मुझे मिल गया, और बहुत ही कम लेवल का प्लेयर मेरे साथ खेलने आया है, तो वो लेवल 6 का प्लेयर है, तो यार इसको भी मैं इजीली हरा दूंगा। ठीक है, मतलब मेरे को टक्कर का प्लेयर चाहिए, इन्फिनिटी लेवल का, या फिर कम से कम 10th लेवल का तो होना चाहिए। ये तो 6th लेवल का प्लेयर है, कोई बात नहीं, हमें तो गोल्ड मेडल लेने से मतलब है। अब कोई भी प्लेयर आए, बस गोल देना है और जीतना है। ये पहला गोल मैंने दे दिया हेडर पे, और मैंने कहा पिछले वीडियो में, मैंने कहा था आपको याद होगा कि लेफ्ट या राइट आउटसाइड से बॉल ले जाना है और हेडर पे पास देना है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में अगर उस इस बात का मतलब आपने समझा नहीं होगा ठीक से, तो इस वाले वीडियो में बता देता हूँ कि आपको लेफ्ट आउटसाइड से या राइट आउटसाइड से बॉल लेके जाना है। जैसे मैंने अभी इंजन को दिया है, और यहाँ से मैं हैमर को एक बार दे देता हूँ, वापस से देता हूँ अपने बैक पास इंजन के पास ही, यहाँ से मैं दूंगा एक, किसको दूंगा, हाँ एक बार बीच में दे देता हूँ, और ओके बॉल मेरे पास है। देखो राइट आउटसाइड से मेरा प्लेयर निकल गया, मैंने दिया राइट आउटसाइड से, और यहाँ से मैं हेडर पे बॉल दूंगा। ठीक है, देखो मैंने हेडर पे बॉल दे दिया और ये सीधा गोल। तो 3-5-2 फॉर्मेशन में खेलने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आप दोनों साइड से हेडर पे बॉल देके गोल कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा राउंड का मैच भी मैंने जीत लिया है, और तीसरा राउंड का मैच मैंने स्टार्ट कर दिया है। एक बार फिर से बीड लेता हूँ और पहला पास मुझे मिलेगा, यकीन है, हाँ इस बार लेवल का प्लेयर आया है भाई, देख लो इन्फिनिटी लेवल का प्लेयर है, और 79 गोल्ड मेडल है, 20,000 मैच खेल के रखा है इसने, इसके साथ खेलने में मज़ा आएगा, और मैं यकीन देता हूँ कि इसको मैं हराऊंगा। ठीक है, मतलब बिना हराए मैं जाऊंगा नहीं। ठीक है, फिलहाल यहाँ से मैं बॉल पास देता हूँ मिडफील्डर में, अरे यार ये तो कनेक्शन प्रॉब्लम, ये तो ऑफलाइन हो गया, ये बंदा मुझे नहीं पता यार ये क्यों ऑफलाइन हो गया, पर ये ऑफलाइन हो गया और ये मैच मेरे पक्ष में चला जाता है। ठीक है, तो चलो राउंड 4 का मैच स्टार्ट करते हैं, एक बार अच्छा प्लेयर आ जाए बस, मैं अच्छे प्लेयर के साथ खेलना चाहता हूँ, लाइक इन्फिनिटी लेवल का प्लेयर के साथ, ये फिर से यार लेवल 6 का प्लेयर, कोई बात नहीं, ये वाला मैच भी अपना हो जाएगा, क्योंकि फिर से नहीं ये वाला प्लेयर भी भाग गया यार शायद टेरर है टेरर। ठीक है, अब लेवल 6 का प्लेयर अपने सामने लेवल इन्फिनिटी का प्लेयर को देखेगा तो थोड़ा पैनिक हो गया होगा ये भी, तो ये वाला मैच भी मेरा हो जाता है, और मैं अभी अब 3 मैच जीतना है। ठीक है, तो अगला मैच मैंने स्टार्ट कर दिया, बीड ले लेता हूँ फिर से, बीड लेना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि बीड लोगे तो पहला पास आपको मिलेगा, इस बार थोड़ा लेवल का प्लेयर आया है, ये 10th लेवल का प्लेयर है, इसके साथ खेलने में मज़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पे बॉल मेरे पास है, पहला पास करने का मुझे मौका मिलता है, यहाँ से मैं गार्ड को देता हूँ, और मेरा वही प्लान है जो हमेशा से रहता है, लेफ्ट या राइट आउट से बॉल, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, इंजन को दौड़ाता हूँ, और के पीछे ही एक बार दे दिया, तो वापस से गार्ड के पास, गार्ड से किसको दूंगा, और एक बार गार्ड को देता हूँ राइट वाले गार्ड को। ठीक है, यहाँ से इंजन निकलो यार, इंजन निकल भी नहीं रहा है दौड़ने के लिए, कोई बात नहीं, अपने हैमर को देता हूँ, वो बैक देगा, यहाँ से एक बार बैक पास फिर से गार्ड के पास, एक बार अपने राइट आउटसाइड में कमांडर को देता हूँ, मैं मौका बना रहा हूँ इसको गोल देने का। ठीक है, राइट या लेफ्ट आउटसाइड, हाँ पास दिया मैंने, पर टैकल मिल गया प्लेयर को, सामने वाला प्लेयर बहुत ही अच्छा खेल रहा है। ठीक है, 10th लेवल की अपेक्षा इन्फिनिटी लेवल के सामने बहुत ही अच्छा खेल रहा है, मतलब मैं गोल दे सकता था उसको, स्ट्राइक पे उसने मेरे प्लेयर को टैकल देके बॉल छीन लिया, फिलहाल यहाँ पे उसको फ्री किक का मौका मिला है,
और उसके पास सुपर प्लेयर भी है, देख सकते हो अभी अभी हिटमैन था 8 अपग्रेड में। और मुझे चाहिए बॉल बस, ठीक है, इस बार बिना गलती के पहला गोल दे दूंगा। हाँ बॉल मिल गया, बैक पास देता हूँ अपने इंट्रूडर के पास, सॉरी सॉरी वो गार्ड था, यहाँ से आगे देता हूँ थोड़ा सा, देखते हैं पहुँचा पाता है कि नहीं मेरा प्लेयर। पहुँचा तो लिया, अब क्या होता है, छीना गया गार्ड रिचर्ड, कोई बात नहीं। मैंने कहा था ना अभी इस बार का प्लेयर जो है ना वो अच्छा प्लेयर आया है, मतलब अच्छा खेल रहा है और खेलने में मज़ा भी आ रहा है क्योंकि टक्कर का प्लेयर है। जब इवेंट में टक्कर का प्लेयर मिलता है ना भाई, तो उसके साथ मैच खेलने में अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है, खासकर तब जब आप मैच को जीत जाते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने बैक पास दिया कीपर को और कीपर ने बॉल अपने हाथ में पकड़ लिया। यहाँ से आगे देता हूँ, थोड़ा सा नज़र को दौड़ाता हूँ क्या होता है। अभी तक शॉट करने का मौका मिला नहीं है मेरे पास, सामने वाले प्लेयर ने एक भी शॉट अटेम्प्ट करने का मौका दिया नहीं है। ऐसे हैमर को देता हूँ और बैक पास देता हूँ एक बार गार्ड के पास, इस बार कमांडर को देता हूँ, कमांडर आगे भी तो नहीं दौड़ रहा है, खैर कोई बात नहीं, जैसे मौका मिलेगा मैं इसको गोल दूंगा। ठीक है, अब बस देखना वो हेडर वाला गोल ही दूंगा इसको भी। ठीक है, हेडर वाला गोल यहाँ से थोड़ा सा बॉल आगे बढ़ा दिया, पर कीपर काफ़ी फास्ट था सामने वाले प्लेयर का, वो तो बाहर निकल के आता है और बॉल को अपने कब्जे में ले लेता है। अभी तक मैच बराबरी पे चल रहा है, ना सामने वाले ने मुझे गोल दिया है ना ही मैंने गोल दिया है, और मेन बात यह है कि ना उसने शॉट अटेम्प्ट किया है ना मैंने शॉट अटेम्प्ट किया है, मतलब मैच एकदम बराबरी का है, टक्कर का चल रहा है। खैर सामने वाले प्लेयर के हाथ में बॉल है, मुझे बॉल नहीं मिल रहा है मौका, हाँ बॉल मिल गया मेरे को, यहाँ से देता हूँ कमांडर को पास, इस बार तो यार कंफर्म गोल कर दूंगा, पहला गोल मारूंगा ही इस बार, कोई मजाक, ठीक है कोई मजाक नहीं, पहला गोल मेरे तरफ से देखने को मिलेगा आपको। बैक पास देता हूँ आगे, मैं प्लेयर को देने का सोच रहा हूँ पर कोई निकल ही नहीं रहा है मेरा, यहाँ से वेमर को देता हूँ, थोड़ा सा नोवाक को, वो बॉल चला गया से। सामने वाला प्लेयर गेस अच्छा कर रहा है कि मैं किसको पास देने वाला हूँ, और मेरे प्लेयर को बड़ी ही आसानी से टैकल दे रहा है। फिर से बॉल मेरे हाथ में है और बैक पास एक बार फिर से, यार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गोल दूंगा पर अभी तक बॉल दिया नहीं है क्योंकि शॉट ही तो अटेम्प्ट नहीं किए, शॉट करने का मौका ही तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे शॉट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, खाली गोल का मज़ा देखो आप किस तरह से इसको गोल देता हूँ। यहाँ पर मेरे इंजन काफ़ी अच्छे ड्रिबल और रनिंग के साथ बॉल को आगे लेता है, इसको दूंगा एक बार बैक पास देता हूँ कार्ड को, यहाँ से अपने हैमर को देता हूँ, और इस बार शायद गोल, हाँ शॉट करने का मौका मिल गया, मतलब गोल या कोई इसमें कोई शक नहीं। तो ये मैंने पहला गोल दे दिया है और 10:50 सामने वाले प्लेयर के पास गोल को वापस कर लेगा, तो कमेंट कर दो यार कि ये गोल वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा मेरे को। खैर मुझे तो लगता नहीं ये कर पाएगा क्योंकि बॉल मेरे हाथ में आ गया है, खैर ये तो फाउल था। चलो बॉल, हाँ बॉल मेरे को मिल गया और मैं क्या करूँ, मैं टाइम पास कर देता हूँ, एक सेकंड तो बचा है, आगे शॉट दे दिया और ये टाइम अप, और ये वाला मैच भी मैंने इजीली जीत लिया। ठीक है, तो ये राउंड 5 था, अभी ये देखो हम लोग को ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है, दो मैच जीतना बाकी है। तो चलो अगला राउंड भी स्टार्ट कर देते हैं मैच को। मुझे बस एक बार बस अपने टक्कर का प्लेयर चाहिए, अपने लेवल का, जैसे इन्फिनिटी लेवल का। नहीं यार ये तो ऑफर है भाई, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके इवेंट जब आप खेल रहे हो और आपके पास लेवल 2 का प्लेयर आ जाता है आपके साथ खेलने के लिए, तो समझ लो कि स्कोर मैच की तरफ से ये आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर है कि भाई तुम जीत लो। और देख लीजिए अभी आप जहाँ मैं इन्फिनिटी लेवल के प्लेयर का एस क्या बोलते हैं यार इसको हिंदी में बोलता हूँ, जहाँ मैं इन्फिनिटी लेवल के प्लेयर के साथ खेलने का उम्मीद कर रहा था वहाँ मुझे 2 लेवल का प्लेयर मिला है। अब ये वाला मैच मैं बड़ी ही इजीली जीत जाता हूँ तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है लास्ट में अच्छा प्लेयर आएगा, मैंने बिड ले लिया है, ये वाला मैच तगड़ा जाने वाला है। ठीक है, चलो कौन आया है, अरे यार एक बार फिर से स्कोर मैच की तरफ से मुझे ऑफ़र मिला है कि आपने बहुत बढ़िया खेला, एक और ऑफ़र आपको मिलता है 1 के साथ 1 फ्री। मतलब मैं लास्ट वाले मैच में भी, मतलब फाइनल मैच में भी मुझे लेवल 2 का प्लेयर मिल जाता है, तो कोई शक नहीं है यार इस वाला मैच को भी मैं बड़ी ही आसानी से जीत जाऊँगा। यहाँ पर कॉर्नर शॉट के पास गार्ड को
देता हूँ और हेडर गोल, ठीक है। तो ये वाला मैच मैं जीत जाऊँगा, ठीक है, बड़ी आसानी से ये वाला मैच मैं जीत जाऊँगा। खैर आप पूरा देख लो एक बार, क्योंकि ये वाला वीडियो मैं पूरा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सामने वाला प्लेयर जो है ना वो दो लेवल में होके भी काफ़ी अच्छा खेल रहा था यार। मतलब बहुत कम ही ऐसा देखने को मिला है मुझे कि बहुत कम लेवल का प्लेयर, दो तीन लेवल का प्लेयर उतना इन्फिनिटी लेवल के प्लेयर के सामने उतना अच्छा सर्वाइव करने का कोशिश कर रहा हूँ, देख लो, ठीक है। खैर यहाँ से मैं इसको एक और गोल दे देता हूँ और ये वाला मैच जीत जाता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो थोड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए, हर जगह होता है जीतने के बाद सेलिब्रेशन। एक जर्सी मिला है अपने को और साथ में ये गोल्ड मेडल भी, ठीक है। तो चलो यार ये वाला बॉक्स ओपन कर लेते हैं और देखते हैं गोल्ड मेडल के साथ साथ क्या क्या मिलता है हमें। ये मैंने बॉक्स ओपन किया, ओके। तो पहला हमें गोल्ड मेडल मिला, साथ ही 2500 का बक्स मिला और उसके साथ साथ ये जर्सी मिला एक ब्लैक एंड वाइट का, थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं ट्राई करूँगा इसको। उसके बाद बाटोस को प्लस, इन कोवालचुक को 96 का प्लस और कैब्रेरा एक्सप्लोरर 150 प्लस। बस हो गया इतना ही यार, मैंने किसी और प्लेयर का भी एक्सपेक्टेशन रखा था। खैर कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में।